स्वागत और अभिनंदन आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के लिए एक ऐसी बेहतरीन और गुप्त जानकारी दी जाएगी सबसे पहले तो मैं माताएं और बहनों से कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो जानकारी दिया जा रहा है उसको अन्यथा ना लेकर के उसकी जो उपयोगी सामग्री है जो जानकारी है उसका आप उपयोग कर सकते हैं अपने घर परिवार में एक तंत्र की साधना है कई सारे लोग कहते हैं कि गुरुदेव तंत्र के ऊपर बोलो ताकि लोगों की जो व्यक्तिगत जीवन में समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति मिले मुक्ति मिलने में सहायता मिले और तंत्र का जो निर्माण हमारे ऋषि मुनियों ने किया वो इसी कारण किया गया तो आइए सबसे पहले आपको बता दूं कि जो महिलाएं जो बालिकाएं रजसुला होती हैं महावारी में होती हैं पीरियड्स में होती हैं मासिक धर्म में होती हैं तो बहुत सारे लोग घृणा करते हैं ध्यान दीजिएगा एक जो तंत्र अघोर तंत्र की साधना है उसमें इस रक्त का बड़ा महत्व है जो योनि से रक्त निकलता है उस रक्त का कई स्तरों पे विभिन्न स्तरों पे विभिन्न क्षेत्रों में उसका प्रयोग करके आप उसके लाभ उठा सकते हैं अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं एक चीज ध्यान रखिएगा जो कुरी कन्या होती है उसके रक्त का अलग प्रभाव होता है तो सबसे पहले आपको यूज कैसे करना है अब आप कहोगे कि बाबा जी होके ये कैसी बातें कर रहे हैं अरे ये जो मैं बाबा जी नहीं हूं हमारे सनातन धर्म में यह उबा नाम की कोई चीज़ नहीं चलती है आचार्य होते हैं शास्त्री होते हैं स्वामी होते हैं महाराज्य होते हैं गुरु होते हैं तो सबसे पहले तो ये बाबा शब्दों का जो इस्तेमाल करते हैं उन लोगों की अकल ठिकाने पे नहीं है उनको पता ही नहीं है कि किसको क्या बोला जाए और जो अपने लिए बाबा शब्द का इस्तेमाल कराते हैं उनको भी नहीं पता है कि बाबा का अर्थ क्या होता है बाबा हमारी संस्कृत और संस्कृति से जुड़ा हुआ कोई चैप्टर इससे कोई लिंकअप नहीं कर रहा है कोई इसका इनर कनेक्शन नहीं है इनर रिलेशन नहीं है तो सबसे पहले आपके लिए जो महिलाएं मासिक धर्म में होती हैं तो आजकल तो पैड लगाने लगे हैं लेकिन सूती मार्किन का कपड़ा सूती होना चाहिए नया होना चाहिए उस धुला हुआ भी होना चाहिए अच्छे से धुला हुआ हो गर्म पानी से निकला हुआ ताकि उसके अंदर जो कलफ होता है वो निकल जाए केमिकल जो होता है वो निकल जाए और इससे योनि में कोई दिक्कत ना हो हमारी जो कामाख्या देवी का जो मंदिर है कामरूप कामाख्या गुवाहाटी के अंतर्गत वहाँ पर योनि की ही पूजा होती है क्योंकि माँ सती के शरीर को लेकर के जब भगवान शंकर अपने कंधों पर ढो रहे थे उनके कंकाल को लेकर के घूम रहे थे उनके वियोग में उनके पीड़ाओं में क्योंकि भगवान शंकर बहुत बड़े योगेश्वर हैं योगीश्वर हैं और बहुत बड़े तंत्र के जनक हैं तंत्र के पिता हैं बहुत सारी विद्याओं के वनस्पति की हो तंत्र की हो मंत्र की हो ज्योतिष की हो बहुत सारे जो वैज्ञानिक क्षेत्र हैं योग के क्षेत्र उन सब के ये आदि आचार्य हैं आदि गुरु हैं आदि पिता हैं तो ये अपनी पत्नी को लेकर के आक्रोश में पीड़ा में विरह में जब लेके भटक रहे थे और देवताओं का कुछ काम बन नहीं पा रहा था देवता शंकर जी से कुछ काम लेना चाहते थे तो इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान से कह करके चक्र से उनके शरीरों को खंडित करा दिया छोटा छोटा टुकड़ा और वही टुकड़े जब गिरा जा करके गुवाहाटी के जंगलों में तो वो गिरी मां अंबा की मां जगदम्बा की और वो स्थान जहां जहां पर भारत के अंदर मां सती के अंग गिरे उन अंगों पे वो शक्तिपीठ सृजित हो गए और वहां वहां पर साधक लोग अपने मनोकामना की सिद्धि के लिए पूर्ति के लिए साधना करने लगे क्योंकि वो जागृत पीठ है। तो काम आख्या माने काम, काम का रूप योनि की पूजा होती है वहां पर क्या योनि से रक्त श्राप भी होता है एक लाल रंग का पानी सा बहता है वहां के कुंड वहां के नालियों से और वहां के जो तांत्रिक लोग होते हैं ये साल में एक बार होता है ऐसा अषाढ़ के महीने में तो उस कपड़े को लोग भिगो के रख लेते हैं वो तंत्र में प्रयोग किए जाते हैं लेकिन मैं कहता हूं कि हर नारी के अंदर ऐसी शक्ति छुपी हुई है कि वो अपने योनि में रखे हुए कपड़े का तंत्र के क्षेत्र में आप वो बेहतर प्रयोग कर सकती है अगर किसी को बसीकरण करना है तो ऐसे कपड़े का भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन और इस बसीकरण के द्वारा आप किसी स्त्री को आप किसी पुरुष को में कर सकते हैं अब आप कहेंगे कि गुरुदेव हमें तरीका बताइए। अगर इस तरीके को मैंने आउट कर दिया तो इसका दुरुपयोग होने की प्रबल संभावनाएं है मैंने तुम्हें महिमा बताई उपयोगिता बताई है कि नारी तुम्हारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति छिपी हुई है इसका मैं एक छोटा सा प्रयोग आपके लिए बताता हूँ योनि के कपड़े को जो सूती कपड़ा हो उसको सुखा करके छाया में और शुक्रवार के दिन उसको जला दीजिए उसकी भस्म बना लीजिए राख बना लीजिए उस राख को जो अपने मकान के चारों ओर छिड़क देता है उसको डाल देता है बिना टोके रात्रि में जो महिला डाल सकती है पुरुष भी डाल सकता है नग्न होकर के तो किसी के घर पर अगर कोई तांत्रिक प्रयोग है किसी ने किया है चाहे वो मुसलमानों का करा धरा हो मुल्ला मौलवी का करा धरा हुआ हो या किसी हिंदू तांत्रिक का किया धरा हो या किसी क्रिश्चियन का करा धरा हो क्योंकि योनि के रक्त के की जो भसम बनती है उससे बड़े बड़े तांत्रिक और तांत्रिक जो शक्तियां हैं वो विफल हो जाती हैं इसके आगे यह मैंने एक प्रयोग बताया लेकिन किसी को बसीकरण में बस में कैसे किया जाता है किसी को उच्चाटन कैसे किया जाता है इसके और भी प्रयोग हैं इसके लिए आपको किसी उचित साधक से उचित तंत्र गुरु से आपको मिलने की जरूरत है क्योंकि यह परंपरागत शिक्षा है जिसका लाभ आपको एक तरीके से ही मिल सकता है यूट्यूब पे बैठ के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता है कोई ऑपरेशन करना नहीं सीख सकता है इसी प्रकार से कोई तंत्र गुरु नहीं बन सकता है कोई योगी नहीं बन सकता है यह तो केवल एक सूचनाओं के प्रसार का ताकि लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो ताकि लोगों के अंदर कुछ उपयोगी सामग्री का वो उपयोग करें लाभ उठाएं लेकिन बेहतर जानकारी के लिए कि तो आपको किसी गुरु से जुड़ना ही होगा इसके प्रयोग करने के बाद क्योंकि पवित्रता भावनाओं की बहुत होना जरूरी है जो किसी के बुरे के लिए काम करता है उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं एक चीज और ध्यान रखिएगा इसकी एक दवा बनती है आप सूती कपड़े की जो औरत की योनि में रखा हुआ है सूती कपड़े को आप जला लीजिए जैसे कि सुखा करके छाया में सुखा के और उसको जला लो भस्म बना लो और उस भसम को बहुत सारे लोगों के एक्जिमा हो जाता है छाजन हो जाता है शरीर की त्वचा जलने लगती है दस दस बीस बीस साल पुराना हो जाता है चमड़ी और पानी छोड़ता रहता है पस निकलता रहता है तो वो ठीक नहीं होते हैं जल्दी किसी दवा से इस भसम को सरसों के तेल में पहले सरसों का तेल लगाइए एक्जिमा के ऊपर जहाँ पे दिक्कत है चमड़ी पे और ऊपर से ये बुरका दीजिए इस पाउडर के लिए इस भस्म के लिए और कुछ परहेज करिए मांस मछली अंडा शराब बंद कर दीजिए और आप अपने वो गरम मसाले हैं चिकनी चुपड़ी चीज़ें चाय है ऐसी चीज़ें बंद कर दीजिए ऐसा करने से आपको बहुत जल्दी निश्चित ही फ़ायदा होगा ये बहुत अच्छा टोटका है उपचार है क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैंने इससे इलाज किया है मैंने बता दिया है मैंने तो नहीं किया है लेकिन लोगों को बता दिया है उन्होंने अपने अपने घरों में गए औरत की योनी में कपड़ा लगाया साफ सुथरा और उसकी भसम बना के सेवन किया तो आप इसका इस्तेमाल करें बड़ा लाभ होगा और नारी का सम्मान करें नारी के जैसे गाय का हर एक अंग जो है पूजनीय होता है गाय से निकली हर चीज महत्वपूर्ण होती है उसी प्रकार से औरत का भी ऐसे बारे में बोला गया स्त्री भी जो है पूजनीय है यत्र नारियस्त पूजनते रमनते तत्र देवता हो लेकिन लोगों ने अभी खोज नहीं की है हमारे ऋषि मुनि ने किया था लेकिन वो छुप गया है उसको ही बाहर निकालने की आज जरूरत है ताकि नारी का गौरव नारी का सम्मान सुरक्षित हो और आप लोगों के परिवार में सुख सौ सो, सौहार्द की वृद्धि हो ओम शांति